लड़ाई को, और ऐसे देख रहे हैं ना ये सारे विलेज रॉकस्टार ही है हमारे ग्रुप के, और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। बस जिंदा रहूँ दोस्तों, बस यही बोलता हूँ। बहुत बहुत दर्द में हूँ, और अभी तो क्योंकि पानी में तो जल ही जीवन होता है, मछली जल की रानी है, तो हम भी करण जल का राजा है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ जड़ जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मुझे बाहर निकाल दोगे इन सुर्खियों से तो मैं मर जाऊंगा, आप अपने दिल से बाहर निकाल लोगे तो मर जाऊंगा, आप मुझे गलत समझ लोगे। देखिए हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं भैया, ये देखिए बहुत कठिन लड़ाई चल रही थी हमारी डेंगू से, और इस लड़ाई में थोड़ा साथ मिला है अपने लोगों का। दीपावली के शुभ अवसर पे बहुत मुश्किल था बॉम्बे से आना, और फिर बॉम्बे से आने के बाद ऐसी जगह पे पहुंच जाना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना दोस्त कि हम एक इंसान हैं, और इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता, वो एक कठपुतली होते हैं जो कि ऊपर वाले के इशारे पर चलते हैं। तो हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। हो सकता है कि बहाना कुछ और हो जाता है, लेकिन कितना खुश था मैं, बॉम्बे गया, बॉम्बे से औरंगाबाद सीढ़ी, काम चल रहा था, स्ट्रीट प्ले चल रहा था हमारे नेताजी का, लेकिन उन्होंने चीटिंग किया, पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो वो सब घटनाएं थी, हमको बस पहुंचाना था उन्हें उन्हीं लोगों के पास जो सालों पहले आया था मैं। इतना प्यारे मतलब क्या तो परिवार से बढ़ के हैं ये मेरा भतीजा। देखिए ये पहले तो इंट्रोडक्शन का होता है, क्या नाम है आपका? मोनू यादव। और ये पवन यादव। पवन यादव, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, ऑल्दो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, एंड दे आर वेरी पंक्चुअल, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ओबीडियंट, दे आर लॉट्स ऑफ वर्ड, और ये बहुत डिसिप्लिन में है। देखिए कितने शांति से बात कर रहे हैं, और देखिए स्विमिंग पूल गंदा पड़ा हुआ था ये पूल, इसको हम लोगों ने अभी जस्ट डिज़ाइन किया, और हमने नहीं किया, सिर्फ मोनू ने किया है, साफ़ सफाई करके पानी वानी भर के चाचू के लिए तैयार किया। तो चाचू सिर्फ ये बोलता नहीं है, हमेशा से प्यार है इसका, और बहुत प्यारा है। बस यही है कि डेंगू से लड़ाई चल रही है, और हम उम्मीद है कि अब जीत जाएंगे। बकरी का दूध अवेलेबल है यहाँ पे, गन्ने देखिए, गन्ने का पेड़ है, केला, मतलब हर चीज़ यहीं पे अवेलेबल है। अंदर मैंने दर्शन करवाया आपको अपने टाइगर से, जो कि अब बड़ा हो चुका है, भैंस माता से, भैंस भैंस का पापा बोल दो, गौ माता से ही बात कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा कॉमेडी मूड है और अच्छा लग रहा है। और बस यही इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि पुल का मज़ा भी तो लेना है भाई। तो हम मिलेंगे बॉम्बे, बहुत जल्द आ रहे हैं, और कुछ अच्छे करने के लिए आए। अभी दिल्ली में बहुत सारा वर्क मेरा बाकी है, वो एड फिल्म पूरा करना है, उसका भी बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, बहुत सारे वर्क को अंजाम देना है। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवित रहें, मुझे कुछ हो ना, और ये बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे, फटाफट बोल डालो, चिपका डालो, खड़का डालो, चलो बोलो। हाय दोस्तों। हाय। हाँ मोनू जी कुछ बोलेंगे? मेरे चाचा से 2 साल बाद मुलाकात हुई, उसके बाद नंबर नहीं था मेरे पास, नंबर लिया मैंने, फिर नंबर खो गया, फिर मैंने बात की तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की बुलाने की, फिर वो आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे चाचू मेरे साथ हैं, और मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं भाई। ओ पूल में नहा रहे हैं, और बेटा ये 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 भी कुछ बोलेगा? बेटा मस्ती हो गया बहुत, अब बोल दे, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मेरे जैसे मेरे साथ 2 साल के बाद आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे साथ है। ओ माई गॉड, आई लव यू बच्चे। कौन कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला? बिना शादी के मेरे पास इतने बच्चे हैं, क्या आपके पास हैं? इसलिए कि मैं इनको बहुत सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, और इनके लिए इनको कुछ अच्छी बातें ही बताता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके घर में बच्चे होंगे, और दादा मुंह पे धूप बहुत ज्यादा था, पानी के अंदर डुबकी मारता हूँ। तो ये बच्चे सबके घर में है, अंतर सिर्फ इतना है कि आपको भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहिए। और विलेज रॉक स्टार मैं बताया था बार बार की एक थीम नहीं है मेरी भावना।